आज बनाएंगे, ये न कचौड़ी है ना समोसे हैं, लेकिन एक स्पेशल नाश्ता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। दो कुल हमने दो तीन चीज़ों से बनाया है और पौष्टिक भी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान देने वाली है। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उबले हुए आलू, नहीं सॉरी, सबसे पहले लेंगे हम गेहूं का आटा। आटे के साथ बना रहे हैं, मैंने बोला था ना हेल्दी है, आटे के साथ बना रहे हैं। और आटे में डाल लेते हैं हम ये धनिया की पत्तियां काटी हुई, और डाल लेते हैं थोड़ी सी हम हरी मिर्च को काट के, और फिर डालेंगे हम थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए, बिल्कुल अलग सा डिफरेंट टेस्ट आए उसके लिए, ये साबुत धनिया। और धनिया के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें हींग। हींग के बाद अब थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी बनानी है इसलिए लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का यूज किया है। अगर आप कम स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो एक मिर्च स्किप कर दीजिए। और डाल देते हैं हम थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे कलर के लिए हल्दी, जिससे हमारी ये रेसिपी देखने में अच्छी लगे। और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बस अब इसका हम एक अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद एक अच्छे सा हम घोल बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस घोल को तैयार कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहें, कोई भी गांठें ना बने, तो इसलिए हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे, और इस तरह से इस घोल को हम बना के तैयार कर लेंगे। देख पा रहे होंगे वीडियो में, बस इतना गाढ़ा हमको घोल रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो मीडियम घोल को बना के हम तैयार करेंगे। तो देखिए घोल हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट घोल बना है। तो अब इसको हम रख देते हैं एक तरफ साइड में, और कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। तो उसके लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू। ये उबले हुए आलू कम से कम होंगे मेरे 250-300 ग्राम आलू हैं, तो इनको अब हाथों से ही हम मैश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मैश नहीं करने हैं। अगर थोड़ा एक आध गुठली रह भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हाथों से ही हम मैश कर लेते हैं। आप चाहे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो बस आलूओं को हमने देखिए मैश कर लिया है। अब थोड़ा सा हम डाल लेते हैं नमक इसमें। नमक का ध्यान रखेंगे जब इसमें डालेंगे, तो हम उसमें घोल में भी डाल चुके हैं। मिर्च डाल लेते हैं थोड़ी सी लाल, और यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा हींग, और थोड़ी सी डालेंगे हम अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पे गरम मसाला। थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही डाला है। और हम डाल लेते हैं हरी मिर्च, और थोड़ा सा डाल लेते हैं हम धनिया की पत्तियाँ। तो बस इन चीज़ों को डाल के हम इन आलूओं में मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके एक अच्छा सा डो की तरह हम बना लेते हैं, और फिर देखेंगे इस रेसिपी का हम शेप देंगे, आगे कैसे बनाएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो देखिए आलू भी हमारे मिक्स हो गए हैं, तो आलूओं की अब एक हम शेप देते हैं। तो पहले लगा लेंगे हाथों में ऑयल, जिससे ये आलू चिपके ना, और थोड़ा सा मिक्सचर लेके हम गोल गोल एक टिक्की के आकार का इसको सेफ दे देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, बस मीडियम की साइज की रखनी है, या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेफ आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने गोल सेफ दी है इसको। तो इस तरह से हम सारी इनको टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से ऑयल लगाते हुए हम सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी टिक्कियों को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अभी दिखाऊंगी मैं, सारी टिक्कियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो ये टिक्कियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ।
तो हमने जो घोल लिया है अब उसको ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, घोल को देखिए कितना पतला है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरह का घोल बना के तैयार करना है। तो बस अब एक एक टिक्की हम उठाएंगे और इस मिक्सचर में जो घोल बना के तैयार किया है उसमें अच्छे से डिप करेंगे दोनों साइडों से। और इसको डिप करते हुए अब हम एक गरम ऑयल में या गरम कढ़ाई में, गरम पैन में इसको सेंकने के लिए इस तरह से डाल देंगे। तो घोल का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, घोल बहुत अच्छे से बनना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर पतला हो जाएगा तो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, गाढ़ा हो जाएगा तो परत मोटी हो जाएगी, तो भी खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से अब हम इनको कढ़ाई में एक एक करके थोड़े गैपिंग के साथ इनको छोड़ेंगे, और गैपिंग नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सेंकते टाइम, डालते टाइम थोड़ा सा गैपिंग करेंगे हर एक टिक्की के बीच में। तो देखिए हमारी ये टिक्की हमने सभी को डाल दी है। तो उलटते पुलटते इन टिक्कियों को या ये नाश्ता हम सेक के तैयार कर लेंगे बिल्कुल ब्राउन करके। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम ब्राउन होकर सेका है। तो बस हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो इसको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। बस देखिए वाह, एकदम मुँह में पानी आ रहा है देखते ही। तो बस इसको एक स्पेशल चटनी के साथ या सॉस के साथ, बच्चे सॉस पसंद करते हैं तो इसको हम खाने के लिए एक स्पेशल चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। ये चटनी मैंने यहीं पे बनाई है, तो आप अगर इसका लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियो, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए।